कहाँ गए थे तुम? तब भी वो सुरैया को मैं लेकर गई थी सजाद के घर, उससे सॉरी करने के लिए। मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों का रिलेशनशिप खराब हो मेरी वजह से। दिमाग सही तुम्हारा। और सुरैया तुम्हें भी अकल नहीं कि इसे उठा के बाहर लेके सुनियो में वो आने वाले बातें करेंगे। भाई मैं तो मना कर रही थी, भाभी जबरदस्ती लेके चली। और तुम लेके चल पड़ बोलिए, देखा इसका तो मेरा गुस्सा मुझ पे निकालो, सुरैया पे नहीं। जो कहना चाहते हो मुझसे साफ कहो। तुमसे तो बात करने फजूल है। अगर मुझसे कहना फजूल है तो सुरैया से भी मत कहो, इस समय इसका कोई कसूर नहीं है। और बाय द वे तुम्हारे मोहल्लेदार तुम्हारे नेबर्स, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मेरी सॉरी भी एक्सेप्ट कर ली है और अमेरिका के वीजे की फरमाइशें भी की हैं। ये बात तुम अब रजिया और दादा जान को खुद बता देना। सर अगर आज के बाद तुम कनीज फातिमा को मेरी इजाजत के बगैर बाहर लेके गए तो मुझसे बुरा कहीं होगा, समझी? जी दाऊद भाई। में डांट फिटवाती। बट इसका प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन नहीं जाना था ना उधर। चलो अब। अजीब लोग हैं। छोटा गोश्त 25 किलो। तबीयत कैसी है आपकी? अब ठीक है। अल्लाह की शान देखें, कल फिरदौस और हामिद भाई ने हमारी फैमिली को खाने पर बुलाया। इससे पहले तो मजाल है जो कभी बुलाया हो। ईद, बकरीद, किसी भी त्योहार पर कभी झूठे मुंह नहीं पूछा। जब हामिद की नौकरी लगी थी ना, उस वक्त भी सिर्फ अब्बा जी को खाने पर बुलाया था। अब ऐसा क्या हो गया भला? अरे भाई, दाऊद की शादी जो हुई है ये हुआ है और क्या हुआ है। अच्छा वो जरा देखो, दाऊद का है भेजो मेरे पास। सुनो, वो गनीस फातिमा की चीजें मिली? पता नहीं। पता नहीं? अरे जाओ देखो, पता करो और दाऊद को मेरे पास भेजो। मुझे नहीं उसके मुंह लगना। फजूल सी लड़की। फजूल सी लड़की? ये जो सब आगे पीछे फिर रहे हैं, आओ भगत हो रही है ना, उस फजूल सी लड़की की वजह से है जो अब हमारी बहू है। जाओ जाकर देखो कि दाऊद का है, भेजो मेरे पास। ये आप क्या हिसाब किताब कर रहे हैं भाई? वो दाऊद के वलीमे के खाने का हिसाब किताब देख रहा हूं। भेजो भाई दाऊद को। आप पहले जाकर अब्बा जी से मिल लीजिए, बार बार पूछ चुके हैं वो आपका। अपने बेटे से आप बाद में मिल लीजिएगा। बाबूजी बुला रहे, ठीक है दाऊद से कहना वही आ जाए।